बढ़ता है क्यों वजन और मोटापा, चाहकर भी क्यों थम नहीं पाता। मोटापे के जड़ में है बीमारियां तमाम, हार्ट ट्रबल और डायबिटीज है बड़े नाम। और मोटापा घटाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल है जरूरी, एक्सरसाइज भी करें पूरी। भारत में 4 करोड़ लोग मोटापे के शिकार है और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई ओवरवेट है तो कोई ओबीज, आखिर क्या है फर्क दोनों में, कैसे पहचाने, बता रही है मुग्धा। डॉक्टर्स के मुताबिक मोटापा यानी कि ओबेसिटी शरीर में मौजूद एक्सेस फैट को कहा जाता है। ये एक बीमारी है जो कि अनेक घातक बीमारियों को बुलावा देती है, लेकिन ओवरवेट होने और ओबीज होने में फर्क है और ये फर्क BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के जरिए जाना जा सकता है। BMI जानने के लिए व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई से 2 बार डिवाइड किया जाता है। अगर BMI 20 से 25 के बीच हो तो वजन सामान्य है, अगर 25 से 30 के बीच हो तो ओवरवेट है, और अगर 30 से 40 के बीच में BMI हो तो उसे ओबेसिटी होती है, और अगर BMI 40 से ज्यादा हो तो मरीज को मॉर्बिडली ओबीज कहा जाता है। ओवरवेट तो करीब 60-70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ओवरवेट। इट मींस देयर BMI 25-30 BMI है, पर करीब 33% पेशेंट्स ओबीज होते हैं। इसका मतलब उनका BMI 30 से 40 है, ऑलमोस्ट 25-40 kg मोर। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा मोटापे की शिकार हैं। जहां शहरों में 3% पुरुष ओबीज हैं, वहीं 9% महिलाएं मोटी हैं। गांव के मुकाबले शहरों में इजी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे का प्रचलन ज्यादा है। शहरों के 25% बच्चे मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जिसके लिए फास्ट फूड खाना एक बड़ी वजह है। भारत की तरह ही दूसरे देशों में भी ओबेसिटी एक बड़ी बीमारी है। अमेरिका में 65% शहरी लोग ओबीज हैं, वहीं UK में शहरों के 20% महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेहतर होती अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास की वजह से लोग आलसी हो गए हैं। मशीनों ने काम आधा कर दिया है और मोटी कमाई फैटी फूड्स घर ला रहे हैं, नतीजा मोटापा। मुक्ता सहाय, सारा समय, दिल्ली। कुछ समय पहले मोटापे को खाते पीते घर से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोटापा खुशी का नहीं, परेशानी का सबब कहलाता है, जिसके लिए केवल खाना ही नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जितनी तेजी से आज की जिंदगी दौड़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों में मोटापे की शिकायत भी बढ़ रही है। भारतीयों के शरीर में कम इंसुलिन बनने की प्रवृत्ति उन्हें मोटापे की ओर धकेलती है। मोटापा कई कारणों से होता है। अगर आपके माता पिता या इनमें से कोई भी एक मोटा है तो आपके मोटे होने के चांसेस 25-30% बढ़ जाते हैं। यानी कि ये आपके जीन्स पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना फैट स्टोर करता है। हर व्यक्ति के शरीर में 40 करोड़ फैट सेल्स होते हैं जो फैट को जमा करते हैं। जीन्स के अलावा ईटिंग हैबिट भी मोटापे को बढ़ावा देता है। अगर आप ज्यादातर तला और ज्यादा मीठा खाते हैं या जंक फूड से गुजारा करते हैं तो आपके वजन बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी के लिए आज की लाइफस्टाइल भी काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल लोगों की जिंदगी से फिजिकल एक्टिविटी तकरीबन खत्म हो गई है, जिसका सीधा असर पड़ा है उनके मेटाबॉलिज्म पर। इसलिए लोग जो भी खाते हैं उसे पचा नहीं पाते, नतीजतन फैट जमता रहता है। इनके अलावा कई बार दवाओं या हॉर्मोन्स की वजह से भी लोगों का वजन बढ़ता है। मोटापा एक ग्लोबल एपिडेमिक हो गया है और इसकी दो ही मुख्य वजह हैं। एक, हमारे खाने पीने की शैली में बदलाव, और हमारा धीरे धीरे गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंस, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होती जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए जरूरी ये है कि आप अपने पर थोड़ा संयम रखें और जीभ से पेट के रिश्ते को पहचानें। ऋतु ठाकुर, सारा समय, दिल्ली। अमूमन हर माता पिता अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खाते पीते देखना पसंद करते हैं और उसके मोटे शरीर को देखकर खुश होते हैं। उनकी ये खुशी तब नासमझ साबित होती है जब उनका हेल्दी दिखने वाला बच्चा मोटा कहलाता है। पिछले 10 सालों में ओबीज बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 2 करोड़ 20 लाख बच्चे मोटापे के शिकार हैं।
और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, जंक फूड खाने की आदत, बेवक खाना, साथ ही ज्यादा कैलोरीज लेने के अलावा फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा कंप्यूटर और टीवी पर समय बिताना है। ओबेसिटी बच्चों में हानिकारक होती है क्योंकि इससे आगे चलकर उनमें हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों में ओबेसिटी से निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे परिवार का एक उचित लाइफस्टाइल हो। अगर एक बार ओबेसिटी आइडेंटिफाई की जाती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा और उसके पेरेंट्स समझें कि ओबेसिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, और इस बच्चे को समझाया जाए कि हेल्दी डाइट क्या होती है, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस। और यहाँ वेट रिडक्शन की बात ज़्यादातर नहीं होती है बच्चों में, बात ये होती है कि बच्चों का नॉर्मली वेट बढ़ता है हर साल, तो अगर वेट ना बढ़े तो वो बैलेंस हो जाता है। अनलेस कि कोई बच्चा बहुत ही ओवरवेट हो तो फिर वेट रिडक्शन की बात करते हैं। नॉर्मली ये कहते हैं कि वेट ना बढ़े, हेल्दी लाइफस्टाइल हो और वेट ना बढ़े तो वो आगे चल के बैलेंस आउट हो जाता है। संतुलित खाना और फिजिकल एक्टिविटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही बच्चों को ऑबेसिटी का शिकार होने से बचा सकता है। नेहा सीठी, सहारा समेत, दिल्ली। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह से सर्जरीज करेंगी आपका वजन कम। ओबेसिटी एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास तमाम बीमारियां घूमती हैं। ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑर्थराइटिस, डायबिटीज और ना जाने कितने रोग पैदा होते हैं। लिहाजा सबसे जरूरी है कि पहली बीमारी ओबेसिटी को रोकना जरूरी है। आम तौर पर लोगों को इस तरह की एपल ओबेसिटी होती है जिसमें पेट बाहर निकला होता है। केवल मोटापा ही बीमारी नहीं बल्कि इसकी मौजूदगी में और कई तरह की बीमारियां पनपती जाती हैं। सेल्स में बदलाव आता है जिससे शुगर लेवल बढ़ता है और डायबिटीज हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, लिहाजा हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। जोड़ों पर ज्यादा वजन से गठिया हो सकती है। पेट बड़ा और पेल्विक मसल्स के ढीले होने से यूरिनरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ओबेसिटी से मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। ओबेसिटी में एक और परेशानी देखी जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर जाने से शुगर लेवल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा हो जाता है, जो ओबेसिटी को जन्म देता है। अगर आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं हार्ट डिजीज और डायबिटीज होने के। क्या प्रिवेलेंस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, आप बिलीव नहीं करोगे। हमारी स्टडी में ऑलमोस्ट 25% मेल्स को और 28-30% फीमेल्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ओबेसिटी की वजह से महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा बढ़ जाता है। इनफर्टिलिटी और पोस्ट मेनोपॉज परेशानियां बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, ओबेसिटी के साथ साथ यदि फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो देखा गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। अलबत्ता अपने भारी वजन के साथ साथ बीमारियों के बोझ से बचने की जरूरत है। तरन तस्वीर, सहारा समय, दिल्ली। ओबेसिटी पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका है अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी विल पावर के जरिए आप ना केवल अपने वजन पर काबू पा सकते हैं बल्कि जिंदगी भी कर सकते हैं अंडर कंट्रोल। मोटे लोग चाहते हुए भी पतले नहीं हो पाते, मतलब उनका वजन उनके सामने बढ़ता चला जाता है और वो उस पर लगाम नहीं लगा पाते। इसके लिए काफी हद तक उनकी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। तो लाइफस्टाइल बदलने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है डाइट से। खाना हेल्दी लें, खाना छोड़ना कोई उपाय नहीं। इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस के मुताबिक डाइट लें जिसमें फैट रिच फूड कम हो। इसके बाद आती है बारी एक्सरसाइज की। हफ्ते के सातों दिन हर दिन कम से कम 1 घंटे जरूर वर्कआउट करें। पहले कम समय के लिए व्यायाम करें, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। सुबह की सैर तो रंग लाएगी ही, कोई खेल खेलना भी फायदेमंद हो सकता है। मोटापा कम करने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है विल पावर, जो कि आप योग और ध्यान के जरिए मजबूत कर सकते हैं। जो लोग योग करते हैं उनको वजन कम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम रेगुलर हो जाता है, खान पान भी ठीक हो जाता है और इतने पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मोटापा ठीक हो जाता है। शहरों में यातायात के तमाम साधन होने की वजह से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। इसीलिए अगर नजदीक जाना हो तो पैदल ही जाएं, वाहन से नहीं। ऑफिस या घर ऊंची मंजिलों पर हो तो जितना हो सके सीढ़ियों से चढ़ें। लिफ्ट बेहद जरूरत में ही इस्तेमाल करें।
टीवी, कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन्होंने हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है। घंटों टीवी देखना या फिर इंटरनेट के जरिए ही रेलवे की टिकट बुक करा लेना, ऐसा करने से न सिर्फ आपका मनोरंजन हो रहा है बल्कि आपका टाइम भी बच रहा है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी लाइफस्टाइल अपनाइए जिसमें न सिर्फ आपका टाइम बचे बल्कि आपको चर्बी भी ना चढ़े। मुग्धा सहाय, सहारा समय, दिल्ली। WHO ने मॉर्बिड ओबेसिटी को एक बीमारी करार दिया है और ये और रोगों की तरह ही है। इसे डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन ठीक सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। कैसी और कितनी तरह की है ये सर्जरी बता रही है तरंग तस्वीर। सैतीस साल की उम्र से श्रीमती अर्चना वशिष्ठ का शरीर फैलना शुरू हो गया, यहाँ तक कि इनका उठना बैठना तक मुश्किल बनता गया। ये मॉर्बिड ओबेसिटी का नतीजा था, लेकिन गैस्ट्रिक बैंडिंग कराने के 6 महीने के अंदर इनका वजन अब 114 किलो से 84 किलो पर आ गया है। मेरे को ऑपरेशन हुआ, गैस्ट्रिक बैंड लगाए मेरे, और उसके बाद से मैं मतलब काफी अपने आप को एक्टिव महसूस कर रही हूँ। अगर किसी पेशेंट का BMI 40 से ज्यादा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई भी और तरीका काम नहीं करता, ये हर एक के लिए समझना जरूरी है। ना तो इसमें किसी गोली से फर्क पड़ सकता है, ना किसी टैबलेट से फर्क पड़ सकता है, ना किसी डाइट रिस्ट्रिक्शन से फर्क पड़ सकता है, ना किसी एक्सरसाइज से फर्क पड़ सकता है। बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा हो तभी मरीज को मॉर्बिड ओबेसिटी मानी जाती है, जिसके इलाज के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है। इसकी अल्टरनेटिव सर्जरीज भी मौजूद हैं। यूं तो कोई भी ऑपरेशन तकलीफदेह होता है, लेकिन सबसे कम तकलीफदेह होता है गैस्ट्रिक बैंडिंग, जिसमें एक सिलिकॉन बैंड को पेट पर बांध दिया जाता है, जिससे कम खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होता है और ये खाना काफी समय तक पेट में रहता है, जिससे जल्दी भूख नहीं लगती। दूसरा तरीका है गैस्ट्रिक बाईपास का, जिसमें पेट काट कर छोटा किया जाता है। तीसरा है बेलियो बेरियाट्रिक बाईपास, इसमें इंटेस्टाइन्स को ऐसे जोड़ दिया जाता है जिससे खाना फैट में नहीं बदलता और जिसे मैल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ये सभी साइंटिफिक तरीके हैं जिन्हें परखा जा चुका है और किसी एक सर्जरी की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक आती है। सर्जरी से बचने के लिए कुछ लोग स्लिमिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो घातक हो सकता है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स इनके फायदे से कहीं ज्यादा हैं। तरंग तस्वीर, सहारा समय, दिल्ली। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉडी क्लॉक में देखेंगे मोटापे में कम करने का कमाल एक्सरसाइज और डाइट का। ओबेसिटी के शिकार है उन्हें अपने खाने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तली चीजें, फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहें। अधिक मीठे से परहेज रखें। चीकू, सेब, केले जैसे मीठे फल ज्यादा मात्रा में ना लें। जूस पीने के बजाय फल खाएं, इससे आपके शरीर में फाइबर बढ़ेगा। नॉन वेजिटेरियन अपने डाइट में लीन मीट शामिल करें जिसमें चर्बी ना हो। मछली खाना फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग चीज खाते हैं वो स्लाइस के बदले चीज स्प्रेड का इस्तेमाल करें। स्किम मिल्क और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का ही प्रयोग करें। खाना नियमित खाएं। दिन में हर 2.5 घंटे पर कुछ न कुछ खाते रहें। इसमें आप हल्के स्नैक्स भी ले सकते हैं। हर एक की कैलोरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डाइट प्लान की जाती है, तो बच्चों के लिए डाइट्स अलग होंगी, एडोलेसेंट्स के लिए अलग, एक मिडिल एज के लिए अलग, और जो ओल्ड एज के हैं उनके लिए भी एक अलग डाइट प्लान होगी। अपने वेट को संतुलित रखने के लिए आप बैलेंस डाइट लें, क्योंकि अगर आप एक बार मोटापे के घेरे में आ गए तो कई और बीमारियां आपको घेर सकती हैं। ऋतु ठाकुर, सारा समय, दिल्ली। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप चौबे। डॉक्टर चौबे, आपका हमारे शो बॉडी क्लॉक में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर चौबे, हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल लोगों में वजन की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं? मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो खाने का तरीका, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं, फास्ट फूड जो है इसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं और इसमें बहुत जल्दी वेट गेन होता है। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक की आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डॉक्टर, जब आपने बात करी मोटापे की तो ज़्यादातर लोग डाइट और एक्सरसाइज करके मोटापे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज और डाइट करने के बाद भी मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? किसी को भी अगर मोटापे को कम करना है उसको सबसे पहले अपने आप को क्लासीफाई करके ये देखना पड़ेगा कि BMI कितना है, और अगर आप अपना वेट का मैनेजमेंट BMI फैक्टर के बगैर करेंगे तो कभी भी आप अपने आप को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिनका BMI 40 से ज़्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स को हम लोग मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स कहते हैं,
और मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स के लिए सर्जरी के अलावा कोई और भी इलाज नहीं है। डॉक्टर, आपने सर्जरी की बात करी, जैसे कि आजकल काफ़ी कॉस्मेटिक तरीके आ गए हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, उसमें से एक है लिपोसक्शन, ऐसे तरीके हैं, तो कितने हद तक ये सेफ है और क्या ये किसी भी व्यक्ति पर किए जा सकते हैं? लिपोसक्शन वेट कम करने की सर्जरी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सब लोगों को ये रहता है। लिपोसक्शन एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, ये वेट कम करने के लिए सर्जरी नहीं है। वेट कम करने की सर्जरी एक डिफरेंट होती है, और ये सर्जरी जो 40 BMI होता है उससे ज़्यादा लोग जो होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव होती है। डॉक्टर चौबे, आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोटापे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को शारीरिक तौर पर चुस्त दुरुस्त रखें, इससे आपके शरीर में चर्बी नहीं जमेगी और आप मोटे नहीं होंगे, जिसके लिए ज़रूरी है योग। वजन घटाने के लिए योग को सबसे असरदार कहा जा सकता है, जो शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। मंडूक आसन इसमें उपयोगी है, जिसमें पहले आप ब्रज आसन में बैठ जाएं, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी पेट पर रखकर दाएं हाथ की हथेली उस पर रखें। सांस लेकर शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और किसी एक पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। इस आसन को रोज करने से वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। जैसे आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो पेट आगे फैलता है सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है, तो आपका पेट थाई और मुट्ठी के अगेंस्ट फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। इस तरह से ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ती है, तो इस तरह से ऑर्गन एक्टिविटी बढ़ते बढ़ते आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। एक घंटा योग करने से आप 300 कैलोरीज तक घटा सकते हैं। इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग, एरोबिक्स और जिम एक्सरसाइजेज जैसी फिजिकल एक्टिविटीज भी फायदेमंद होती है। नेहा सेठी, सहारा समय, दिल्ली। आज के बॉडी क्लॉक में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ओबेसिटी से संबंधित जानकारी से होगा आपको फायदा। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो हमें लिखना ना भूलें bodyclock@saharasamay.com पर। अब बॉडी क्लॉक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगली बार हम बात करेंगे स्पाइनल प्रॉब्लम्स की। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, सहारा प्रणाम। वेलकम। फिट रहना मेरी आदत है, जल्दी आदत आपको भी पड़ने वाली है, क्योंकि आज से हर रोज हम आपको बताने जा रहे हैं टोटल तंदुरुस्ती के राज। तो फिर देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है खूबसूरत जिंदगी के इस खजाने में। बच्चों के खाने पीने की हर मांग पूरी करना बन सकता है मुसीबत। एक ऐसा चमत्कारी बैंड जो दूर कर सकता है मोटापा, और वाइन की शोखी उतर सकती है आपके चेहरे पर। हमने कई लोगों से पूछा तंदुरुस्त बच्चा कैसा होता है। ज्यादातर का जवाब था गोलू सा, मोटू सा, जो रोता कम हो और सब कुछ खा लेता हो। ऐसे बच्चे सबको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये एक तरह की बीमारी है। बच्चों में मोटापे की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आइए पहले देखते हैं कैसे होती है ये बीमारी। किसी भी फास्ट फूड आउटलेट में बच्चों को चटकारे लेकर बर्गर, पिज्जा या फ्रेंच फ्राइज उड़ाते देखा जा सकता है। इनमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें हम आम बोलचाल में मोटा कहेंगे। अक्सर माता पिता इनके खाने पीने का शौक बेरोक टोक ये कहकर पूरा करते रहते हैं कि बच्चों को खाने के लिए टोकना ठीक नहीं है, लेकिन ये प्यार अक्सर बच्चों के लिए मुसीबत साबित होता है। 19 साल के कपिल को ही लीजिए। बचपन से ही खाने पीने के शौकीन कपिल एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। ज्यादा वजन के चलते न सिर्फ इनका सपना टूटा, बल्कि आज नौबत इलाज तक पहुंच गई है। कपिल ओबेसिटी या मोटापे के शिकार हैं। ये महज एक समस्या नहीं बल्कि एक बीमारी है, जिसके नतीजे घातक हो सकते हैं। इसका कारण है आम लोगों के मुकाबले ओबीज या मोटे लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और प्रोस्टेट कैंसर के आसान शिकार बन जाते हैं। आप डॉक्टरी मायने में मोटे हैं या नहीं ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप बॉडी मास इंडेक्स या BMI का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप मीटर में अपनी लंबाई नाप लें, इसे दोगुना करें और फिर इसे अपने वजन से भाग कर दें।
जो नतीजा आएगा वो है आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। एक आम आदमी का BMI 21 से 24.9 तक होता है, वहीं 25 से 29 का BMI मोटापे की तरफ इशारा करता है। ओबीज लोगों का BMI 30 से 39.9 और मॉर्बिड ओबीज या गंभीर रूप से मोटे लोगों का BMI तो 40 से ऊपर चला जाता है। अब ये सोचना छोड़ दीजिए कि मोटापा दर्शाता है कि आप खाते पीते घर से आए हैं, क्योंकि ये सोच बीमारी को न्योता देने से कम नहीं है। घबराइए नहीं, मैं हूँ ना आपके और आपके बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट का पैनल है। आपको बस अपनी परेशानी हम तक पहुंचानी है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 22 साल, कद 5 फुट 4 इंच है और वजन 85 किलो है। क्या मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ? तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका वजन ओवरवेट की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका इलाज और इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा बेसिकली वो एक्सरसाइजेस, डाइट में रिस्ट्रिक्शंस, उसी से ये ओवरवेट मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा 3 साल का बेटा है, काफी हेल्दी है, मैं ओबेसिटी की मरीज हूँ। ऐसे में क्या बच्चे को भी बीमारी हो सकती है? ये आमतौर पे देखा गया है कि अगर पेरेंट्स ओबीस हैं तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है और हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होता है, जो इनके बच्चे जिनके माता पिता जो ओबीस होते हैं उनके बच्चों में भी ओबीस होने की एक टेंडेंसी होती है, और इसको अगर बचपन से इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो अल्टीमेटली पहले ओवरवेट होंगे, उसके बाद में ओबीस होंगे और उसके बाद में मॉर्बिडली ओबीस होंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का ध्यान दीजिए और शुरू से ही उसको न्यूट्रिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके उसका डाइट पैटर्न एक तैयार करें। तो सोच क्या रहे हैं? परेशानी है तो फटाफट मेल करिए www.totaltandrusti.com पर। मोटा होने की मशीन अभी नहीं बनी है, लेकिन मोटापा कम करने की मशीनें बनने लगी हैं। स्लिम ट्रिम होने के लिए अब नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं। मोटापा एक बेहद खतरनाक बीमारी है। जो लोग अपने मोटापे को डाइटिंग और एक्सरसाइज से कम नहीं कर पाते उनके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। मॉर्बिड ओबीस मरीजों के लिए तो बाजार में एक नया सिलिकॉन बैंड निकाला गया है। इसे फूड पाइप के नीचे ठीक पेट के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इससे मरीज की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है और इसी तरह उसके शरीर में जमा चर्बी भी कम हो जाती है। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारे स्पेशलिस्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन इमरजेंसी में आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं स्नेक बाइट के केस में आप क्या करें और क्या ना करें। अगर आपको भी होना है मेरी तरह टोटल तंदुरुस्त तो ब्रेक के बाद देखिए योग से कैसे कर सकते हैं कंधे मजबूत।